ईद दिवाली ओणम क्रिसमस खुशियों के त्योहार लगकर गले बधाई देले झूमे नाचे यार। ईद उल फितर यह त्योहार दुनिया भर के मुस्लिमों का पवित्र धार्मिक त्योहार है। इसी त्योहार पर यह बहुत सुंदर निबंध। ईद उल फितर अथवा ईद का त्योहार मुस्लिम समुदाय का मुख्य त्योहार है। विश्व के सभी कोनों में फैले मुस्लिम लोग इसे बड़ी ही श्रद्धा एवं उल्लासपूर्वक मनाते हैं। मुस्लिमों के लिए रमजान का महीना विशेष धार्मिक महत्व रखता है। यह उनके दृष्टिकोण में उनके लिए आत्मशुद्धि का महीना होता है। सभी मुस्लिम जन इस महीने में पूरे दिन का उपवास रखते हैं। इसका वे इतनी कठोरता से पालन करते हैं कि वे दिन भर जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते हैं। सभी लोग दिन के 5 बजे निश्चित समय पर खुदा को नमाज अदा करते हैं, अपने और सभी परिजनों की आत्मशुद्धि के लिए दुआ करते हैं। रमजान के पूरे महीने सभी मुस्लिम सूर्यास्त के पश्चात ही भोजन और जल ग्रहण करते हैं। रमजान महीने के अंतिम दिन सभी मुस्लिम चांद को देखने की उत्सुकता रखते हैं, क्योंकि चांद के दिखाई देने के पश्चात ही दूसरे दिन ईद मनाई जाती है। नमाज अदा करने के उपरांत सभी लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। सभी मुसलमान इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम और विशेष तैयारी के साथ मनाते हैं। ईद के त्यौहार में संपूर्ण वातावरण में एक रस आता है। अमीर गरीब, जवान या बूढ़ा, सभी जनों में बराबर का उत्साह दिखाई देता है। वातावरण में एक नई रौनक आ जाती है। ईद के दृश्य का सजीव चित्रण महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी प्रसिद्ध कहानी ईदगाह में किया है। रमजान का महीना और ईद का पावन पर्व विशेष धार्मिक महत्व रखता है। यदि हम इस पावन पर्व के मूल आदर्शों का पालन करें तो लोगों के मध्य वैर भाव, शत्रुता अर्थात मनुष्य का मनुष्य के प्रति भेदभाव को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। इस त्यौहार ने हमें भाईचारा और एक दूसरे से प्रेम करने की सीख मिलती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है भाई भाई। सब मिलकर ईद मनाएं, आपस में भाईचारा बढ़ाएं, आपस में भाईचारा बढ़ाएं।